हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो आपके पास लेके आया हूँ जिसमें हम लोगों ने 1 मंथ में पैसा डबल कर दिया, यानी कि एक ऐसा अकाउंट एलाइज ब्लू का इस बार लेके आया हूँ मैं अकाउंट, उसमें 98,000 रुपीज़ अकाउंट में थे। आप लोगों को पूरा लेजर अकाउंट दिखाऊंगा, और ऐसा नहीं है भाई, एक अकाउंट है, इससे पहले भी, आइए आप यहाँ पे देख लीजिए, इससे पहले भी मैंने एक अकाउंट में 20,000 रुपये 7 मिनट के अंदर कमा के दिखे थे लाइव। और एक और वीडियो आपको याद होगा, 45 डेज के अंदर 10,50,000 रुपीज़ का नेट M2M दिया था, वो भी मैंने आपको दिया है। इससे पहले एक और अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ इन 20 डेज, यानी कि 400% ROI इंट्राडे, उसमें भी कमा के दिया। तो अभी तक मैं आपको 3 अकाउंट का दिखा चुका हूं, और आज फोर्थ अकाउंट है एलाइज ब्लू का, फोर्थ अकाउंट दिखाने जा रहा हूं एलाइज ब्लू का। इन अकाउंट्स को दिखाने का मेरा पर्पस है, आपको समझ में आए, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सट्टा मार्केट, स्टॉक मार्केट एक डिसिप्लिन अप्रोच है विद कुछ पावरफुल टूल्स, जैसा कि वो टूल मैंने आपको ऊपर देखो आई बटन में मैंने आपको बता रखा है, SRM स्ट्रेटजी। आप कोई भी ट्रेड लेते हो, अगर उस ट्रेड में आप रिस्क मैनेजमेंट जोड़ोगे, स्टॉक सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? आप सब लोग, स्टॉक सिलेक्शन के लिए दिक्कत होता है, और आपने मेरा टेलीग्राम में देखा होगा, मॉर्निंग में 2 या 3 ही कॉल्स देता हूं, उसका स्टॉक सिलेक्शन देखा होगा। मैं ये नहीं कहता सारे कॉल्स चलेंगे, मैं ये नहीं कहता सारे कॉल्स फेल होंगे, एंड ऑफ द डे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो एक और पावरफुल टूल है वो आप देखना मेरे भाई। 10 रुपए का ऐसे ले तो 100-100 रुपए का हम पॉइंट खा रहे हैं, 100 रुपीज 150 पॉइंट हमारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, कैसे, हाउ इज पॉसिबल? तो स्टॉक सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको सीखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस SRM, मैंने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट बताया हुआ है, तो कोई भी आपके पास पावरफुल सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट SRM मैनेजमेंट लगाना बहुत जरूरी है। प्लीज गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है, रातों रात कोई पैसा नहीं बन सकता। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 महीना में पैसा डबल, तो आप सब भाई लोग के मन में एक चीज आता होगा, यार ये बंदा अगर 1 महीने में पैसा डबल कर सकता है तो फिर वीडियो क्यों बना रहा है, ये लाइव वीडियो क्यों दिखा रहा है, और एक नहीं लगातार बैक टू बैक 3 अकाउंट दिखा चुका है, और आज चौथा अकाउंट है। और हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं और 4 अकाउंट 5 अकाउंट 6 अकाउंट और दिखाने वाला हूं, जस्ट देखते जाओ। और जो अकाउंट आपको भी दिखा चुका हूं ना, यही अकाउंट 1 हफ्ते बाद फिर दिखाऊंगा कि भैया 1 हफ्ते में हमने और ऐड किया कि नहीं किया, और ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं है, देखते जाओ। इन्हीं 7-8 अकाउंट को जो मेरे पास 8 से 8 अकाउंट के आसपास हैं, जिसके ऊपर मैं आपको काम दिखा रहा हूं, अभी तक 3 दिखा चुका हूं और दिखाने वाला हूं, इन्हीं 8 अकाउंट को एवरी मंथ मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा डिसिप्लिन बोलते किसको है। तुक्का 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, रोज रोज तुक्का नहीं लगेगा, समझना मेरे भाई। और फिर बोल रहा हूं, पैसा डबल, ये मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन करने के लिए दे रहा हूं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा कोई आपको नीचा दिखाना या कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करना ऐसा नहीं है, मैं बस ये बताना चाहता हूं, मेहनत आप करोगे, आप भी अगर मेहनत करोगे तो आपको भी आज नहीं तो कल ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, बट उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सेटअप को 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार 100 बार काम करना पड़ेगा, पैसा उससे बनेगा। ब्रूस ली जी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हिंदी में आसान शब्दों में बताता हूँ, ब्रूस ली जी कहते थे, मुझे उस आदमी से डर लगता है जो मेरी ही एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करके आता हूं, इंस्टेड ऑफ 1000 किक उसको आती हो, समझ में आया, एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करके आया हो, एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करके आया हो, इंस्टेड ऑफ 1000 किक उसको आती हो। आप क्या कर रहे हो, आप 1000 स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करते हो, उल्टा कर रहे हो। तो बॉस, 1000 की जगह जो आपका फेवरेट स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको 10 से 12 ऑलरेडी YouTube में स्ट्रेटेजी दी हुई है,
पिरामिड स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी की वो भी डाली है, सीपीआर स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी की वो डाली है। अगर आप इंडेक्स लवर हो वो स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप स्टॉक्स लवर हो वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। कि उसके लिए मैंने आपको सीपीआर पार्ट टू डाला हुआ है, 920, 925, 930 स्ट्रैटेजी डाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स का बहुत सारे ट्रेडर्स का प्यार आ रहा है, फ्री में कमा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं मेरे व्हाट्सएप में डेली बेसिस पे। कम से कम नहीं तो बहुत 400 से 500 मैसेजेस रहते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं रह पाता कि मैं उनको भी आपको दिखा सकूं लेकिन एक दिन जिस दिन बैठूंगा सर दिखाऊंगा आपको डेली बेसिस के क्या कमेंट्स आते हैं, किस तरह से लोग पैसा बना रहे हैं, अपना M2M भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी जो चौथा वीडियो है, इसके बाद भी मैं 4 और वीडियो लूंगा, नो वरी एट ऑल। और सारे अकाउंट अलग अलग दिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं कि एक में। और जो लोग कहते हैं अपना अकाउंट दिखाओ, मेरे भाई कैलकुलेट कर लो, आज से एक साल तक देखते जाना मेरे अकाउंट, एवरी मंथ यही 8-9 अकाउंट को दिखाऊंगा और इसमें ऐड करता रहूंगा, 8 की जगह 9, 10, 11, 12 अकाउंट होंगे, नो वरी एट ऑल। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बॉस, और जो मेन अकाउंट है वो छोड़ दो, छोटे छोटे 8-10 अकाउंट को ही एवरी मंथ देखते जाओ, इसी 1 लाख को हम कैसे कर रहे हैं डबल। रिजल्ट आपके सामने है, परफॉर्मेंस आ गया, लाइव आपको दिखाएंगे। फिर बोल रहा हूँ पैसा बनता है, मार्केट सट्टा नहीं है, बट आपको पैसा बनाना आना चाहिए, फॉलो उसको करना है जो खुद पैसा बना रहा है। एक छोटा सा कमेंट कोई लिखता है ट्विटर पे या कहीं पे भी पोस्ट करता है अपने ब्लॉग पे, आप 100-200 लाइक्स दे देते हो। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स देते हैं जिससे कि आप किसी भी टिप्स वाले को पैसा ना देने की जरूरत पड़े, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। गाइस सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपसे, प्यार चाहिए आपका, लाइक चाहिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। सर ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये तामझाम, ये सब चीज़ मैं क्यों बना रहा हूँ, व्हाई शुड आई, मुझे ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख जाओ यार, किसी के चक्कर में ना पड़ो, किसी के चक्कर में ना पड़ो, ना हैरी के, ना किंग रिसर्च के, ना XYZ, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। यूज योर ओन ब्रेन, फ्री में स्ट्रैटेजी दी हुई है, SRM स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, अपना M2M दिखा रहा हूँ कि बॉस देख लो पैसा हम भी बना रहे हैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करके। तो फिर किस चीज की वेट कर रहे हो कि कोई भगवान जी आएंगे और आपके कान में बोलेंगे कि हाँ नाउ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। नहीं भाई, भगवान जी भी बोलता है मेहनत कर, फल की इच्छा ना कर। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी, आइए मैं ले चलता हूं आपको अपने अकाउंट में, नए एक और एलाइज ब्लू के अकाउंट में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ अकाउंट ओपन नहीं कराया, प्लीज गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए, एलाइज ब्लू का और एंजल का हमारे पास है, और वहाँ पे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 1 मंथ का गोल्डन मेंबरशिप फ्री में दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही मैं एल्गो लॉन्च करूँगा, एल्गो के अंदर भी मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाऊंगा, जिन जिन ने हमारा अकाउंट ओपन कराया हमारे साथ उन सबको मैं एल्गो वाले ग्रुप में डालूंगा, तो एल्गो से डायरेक्ट उनको कॉल जनरेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बाई सेल मिल जाएगा, जिससे कि वहाँ से भी आपको फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इट विल बी टेक टाइम, बट हाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट की तरफ, ये देखिए बॉस लाइव है, देख लो ना, देख लो और आज से कैलकुलेट करो, एक साल पूरा दिखाऊंगा आपको, 5 साल का स्टेटमेंट चाहिए ना, 5 साल साथ में रहना, 5 साल पूरा दिखाऊंगा भाई। और डिसाइड करो जितने यूट्यूबर मार्केट में हैं, उन यूट्यूबर वर्सेस किंग रिसर्च यूट्यूबर। भाई मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं आता, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो ट्रेडर टैग जो है वो मेरा चैनल को और जो दूसरे चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और लाइक्स दे रहे हो, अब आप डिसाइड करो किसको फॉलो करना है। फिर बोल रहा हूँ मैं अपना काम करूंगा, आपको अपना काम करना है, बस चलिए आ जाओ। सो बॉस देखो, दिस इज होल्डिंग, नहीं दिस इज लेजर, लेजर पे जाते हैं, एलाइज ब्लू का आपको अकाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ऊपर एलाइज ब्लू का आ रहा है, यहाँ पे लेजर पे हमने क्लिक किया, ठीक है। पोर्टफोलियो लेजर, देखिए आपके सामने लेजर पे हमने क्लिक किया राइट, ये देखो डेट है 19/6/2020, यानी कि जून महीने में, ठीक है। 19/6/2020 को हम लोगों ने इसमें 48,000 का एक पेमेंट ट्रेडिंग करने के लिए, सर फिर बोल रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट है यानी कि ATM मशीन है, इसमें सिर्फ पैसे डालने नहीं, इससे पैसे निकालने भी होते हैं आपको,
तो ट्रेडिंग अकाउंट को एज अ एटीएम मशीन यूज करो, अपना दिमाग ला लो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो हर बिजनेस में करना होता है, इन्वेस्टमेंट किया, यूज योर नॉलेज, यूज योर स्किल्स, यूज योर पर्सनल सेटअप्स, टाइम, ओके, वो इसके अंदर डालो और देखो ये आपको निकाल के क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा, तो वो पैसा ये निकाल के देता है ट्रेडिंग अकाउंट। आइए, 48,000 रुपीज़ का हमारा इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि डीमेट अकाउंट में डाले, ठीक है, 19/6 को। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम द जो भी है राहुल यादव जिसका भी अकाउंट है, ठीक है, आप देख लीजिएगा सर, आप समझ सकते होंगे, राइट। उसके बाद आप देखिए ये कुछ डेबिट और ये क्रेडिट, यानी कि रनिंग बैलेंस जो है इसके जो पहला ये डेबिट एंड क्रेडिट, ये तीन चार कॉलम है ना, ये चेक नंबर होता है, ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो डेबिट एंड क्रेडिट पर नज़र रखिएगा, ठीक है। 48,000 रुपीज़ क्रेडिट हुए हमारे अकाउंट में, हमने ट्रेडिंग के लिए डाले। उसके बाद जो भी हमारा चार्जेस IGST बिल एंट्री, 814 रुपये का फ़ायदा हुआ, 200 कॉल एंड ट्रेड किया था, 220 रुपये का फ़ायदा हुआ था, उसके बाद 128 रुपये का, 128 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ था, वो जो भी है मतलब वट एवर फ़ायदा हुआ लॉस हुआ जो भी है, ठीक है, 1148 फ़ायदा हुआ लॉस हुआ जो भी है वट एवर, राइट। तो आप देखो मेरे भाई इस अकाउंट में एक 50,000 का और डिपॉजिट किया था, देखो बींग अमाउंट रिसीव्ड, राइट, एक 6 तारीख को मैंने इसमें 50,000 का, मतलब जो भी भाई है उसने 50,000 का एक और ऐड किया, तो टोटल अमाउंट आप खुद, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, टोटल अमाउंट 48,000 19 तारीख को। टाइमिंग नोट करना, पहले 48,000 से काम करने की कोशिश करिए, 19 तारीख के बाद 6 तारीख को, जस्ट कैलकुलेट हाउ मेनी डे इट विल बिकम, कम से कम 15 डेज होते हैं बॉस, 15 डेज के बाद फिर इसमें मैंने 50,000 रुपये डाला है, 50,000 रुपीज हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, टोटल 48,000 का इन्वेस्टमेंट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, डेज कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं पूरा एक महीना ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, और आपको बोल रहा हूँ कि बॉस 98,000 के इन्वेस्टमेंट में वॉट एवर, ये देखो ये पे आउट है बॉस, ATM मशीन जैसे कि बोला 8,000 रुपये हमने पे आउट किया यहाँ से, ठीक है, फिर देखो पे आउट कब आया, पे आउट कब आया, पे आउट कब आया, पे आउट फिर 30,000 का पे आउट आया 23 तारीख का, ठीक है, जो आज हमें पे आउट मिला है अकाउंट में 30 तारीख को फिर से मिला। और कोई है क्या पे आउट, और देख लीजिए 8,000 पे आउट, 30,000 पे आउट, ठीक है, तो पैसा हमने पे आउट फंड 144 कुछ नहीं है, ठीक है, तो दो पे आउट हम लोग अभी तक महीने में निकाल चुके हैं, जिसमें 30,000 और 8,000, 38,000 रुपीज़ निकाल चुके हैं जो अकाउंट हमने डिपॉजिट किए थे, टोटल 98,000, 98 में से 40,000 और 38,000 आप निकाल लीजिए, तो 98 माइनस 38 हाउ मच इट विल बी कम अराउंड, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, मेरे को सर मैथ्स नहीं आती, प्लीज कर दें, फिर आप बोलेंगे सर ये देखिए कितना है, 98 माइनस 38 निकाल चुके हैं, मोटा मोटी 60,000 इन्वेस्टमेंट रह गया है अब इसमें। अब आप लगाइए अभी भी जो मेरा है, आप खुद देखिए 1,82,000 रुपीज का क्या दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, टोटल कितना 1,82,000 रुपीज का। अब आप कैलकुलेट कर लिए, 60,000 निकाल भी रहे हैं, राइट, अब आप कैलकुलेट कर लिए कितना ROI हुआ, कितना परसेंट इसके अंदर हुआ, पैसा डबल हुआ, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट आपके सामने, लाइव परफॉर्मेंस आपके सामने दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तीन अकाउंट ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फोर्थ अकाउंट, और भी 4 से 5 अकाउंट और दिखाऊंगा, कल एक अकाउंट दिखाऊंगा, लाइव रहिए, स्टे रहिए, कल एक बड़ा अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा अकाउंट दिखाएंगे, कुछ 10-12 लाख का गेन दिखाएंगे आपको, ठीक है, कल उसमें दिखाएंगे, फिर मंडे को एक और दिखाऊंगा, ट्यूसडे को एक और दिखाऊंगा, वेडनेसडे को एक और दिखाऊंगा, थर्सडे को एक और दिखाऊंगा, फ्राइडे को एक और दिखाऊंगा, इट्स नॉट अ जोक, हार्डवर्क से ही पैसा बनेगा, और हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट इतनी प्यारी चीज, सर मेरा पैशन है, मेरा पैशन है स्टॉक मार्केट, 13-14 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, मैं अब इस लेवल पे आया हूं, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि 14 साल 13-14 साल देने पड़ेंगे, बट
कुछ टाइम तो देने पड़ेंगे, 4-5 महीने तो देने पड़ेंगे, तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। और डिसिप्लिन अप्रोच सीखना पड़ेगा, कैसे मार्केट में बड़े प्लेयर्स काम करते हैं, बड़ा प्लेयर कैसे सोचता है, आप कैसे सोचते हैं अगर आप लॉस कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज, अब सिंपल सा लॉजिक है बॉस, स्टॉक मार्केट में अगर आप नुकसान कर रहे हो तभी मेरी जेब भर रही है, तभी मेरा अकाउंट भर रहा है, अगर मैं नुकसान कर रहा हूँ तब आपका जेब भरती है, तो जिस दिन आपको प्रॉफिट होता है किसी ना किसी का लॉस हुआ होता है, राइट? तो ऑपरेटर कमा रहा है, आप लॉस कर रहे हो, क्या लॉजिक है? 95% केस में रिटेल गवाता है, क्योंकि रिटेल हमेशा रिटेल जैसा सोचता है। डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर, थिंक लाइक अ कसिनो वाला। कसिनो वाला कैसे सोचता, सोचो उसमें आप जाते हो, सब लोग खेल के आते हो, कसिनो वाला कैसे कमाता है वो सोचना है, कि बड़ा इन्वेस्टमेंट किस किस खाते में लगाए, छोटा इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में लगाए, या किस पर्टिकुलर मूव में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाए। जहां बड़ा लगाए उधर खोदोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और जहां कम लगाए मेहनत वही होगी दोनों तरफ। आप बताओ, जहां ज्यादा पैसा है वहां लगाओगे, जहां कम पैसा है कहां खोदना पसंद करोगे? तो थिंक लाइक अ ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसे काम करता है वो सोचो, थॉट प्रोसेस को चेंज करो, पैसा बनना चालू हो जाएगा। फिर बोल रहा हूं, 60% एक्यूरेसी लेवल, 20% रिस्क मैनेजमेंट, एंड रिमेनिंग 20% ओनली स्ट्रैटेजी। और हम लोग साइकोलॉजी पे प्रॉपर फोकस करते हैं, अपना दिमाग का ढक्कन खोलो और उसमें कुछ अच्छी चीज, बड़ा कुछ डालो, फीड करो। बड़ा आदमी क्या, भले किसी को नहीं पता आपके अकाउंट में 50,000 है, 10,000 है, मैंने खुद देखो 24,000-25,000 के अकाउंट को 1,00,000 रुपए करके दिया है बॉस। तो कौन बोलता है कि छोटे ट्रेडर पैसा नहीं बना सकते? पैसा बनेगा, राइट अप्रोच चाहिए। सिर्फ वो जो लॉलीपॉप देते हैं ना यूट्यूबर आपको, कि कुछ भी यूट्यूब में बनाते हैं, FIs का डाटा, DIs का डाटा, ये देखो ऑपरेटर ने क्या किया, ये देखो प्रमोटर ने क्या किया, ये देखो ओपन इंटरेस्ट, ये भाई सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई गलत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। आजकल यूट्यूबर्स न्यूज पे आ गए हैं, न्यूज फ्लैश करते हैं, सब बढ़िया है, पैसा बनाया क्या? मेरा एक ही क्वेश्चन है, वो सब आप क्यों देख रहे हो? क्या आपके अकाउंट में पैसा बनाया है? वो सब आप अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने ऑप्शंस का कॉल दिया, क्लियर कट बोला था 2 दिन बने रहो, 7 रुपए बाई कराया था कॉल 2200 का, और बोला था 2-3 दिन अगर रियल मैजिक देखना चाहते हो 2 दिन हो। अब बोलोगे सर वो तुक्का है, भाई तुक्का एक लगेगा ना, 2 लगेगा ना, 7 रुपए का चीज 13 रुपए हो गया, 13.5 रुपए हो गया, कैलकुलेट कर रहे हो ROI 100% ऑलमोस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 रुपीज चिंदी टारगेट ले लो, 7 रुपए पे 1 रुपए 2 रुपए भी बहुत बड़ा टारगेट होता है, बट बॉस मैं 1-2 रुपए देने में वो करता हूं। आई ट्रेड पर्सनली, मैं अपना बता रहा हूं, आई ट्रेड ओनली फॉर द स्टॉप लॉस, आई डोंट ट्रेड फॉर द टारगेट। टारगेट मेरा घर का फैमिली मेंबर है तो मैं हमेशा उसको पकड़ के रखता हूं, बट स्टॉप लॉस हमेशा आपको दुख देगा, तो मैं स्टॉप लॉस के लिए काम करता हूं। मुझे दुख दे तेरे पर, मेरी पूरी दोनों हाथ मेरे तेरे पर है, आ जा। तो मैं ट्रेड स्टॉप लॉस के लिए करता हूं, आया अच्छी बात है, स्टॉप लॉस नहीं आया तो भैया प्रॉफिट तो अपना ही है, काई को बुक करना है। बड़ा सोचो, थिंक लाइक अ बिग शार्क। फिर बोल रहा हूं, नो ब्लाबला, लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत कुछ है देने के लिए गाइस, स्टे ट्यून विद अस। और भी मैं आपको, मैंने एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दिया हुआ है बॉस, पिरामिड स्ट्रैटेजी। दिस इज वंडरफुल स्ट्रैटेजी, बिलीव मी वंडरफुल स्ट्रैटेजी, राइट? और भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी, ये देखो, अच्छा कितने लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा है, कितने लोगों ने देखा है, रामायण कथा ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स, और क्लियर कट बोला गया है, क्लियर कट इस वीडियो में बोला गया था 8500-11,000 रुपए आपको साइकोलॉजी देने की कोशिश करी थी। भाई कैसे हमने प्रिडिक्ट किया 11,000-11,200 का लेवल, वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आएगा क्या साइकोलॉजी दी थी। और अब मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, टॉप के लेवल पे क्या करना है, भाई मैं टॉप के लेवल पे बहुत कॉन्शियस हो चुका हूँ, अपने पोर्टफोलियो का 50% से ज़्यादा मैं माल निकाल चुका हूँ, ऊपर के लेवल हो सकता है और चले जाए, नोबडी विल प्रेडिक्ट द मार्केट, नोबडी विल टेल यू द विच इज एग्जैक्टली दिस इज हाई, जो दुनिया बोलता है ना ये हमने गेस किया था, देख हमने पहले ही बता दिया था हाई है, मेरे भाई जिस दिन चल गया बताया था, जिस दिन नहीं चला चुप हो जाता है, कोई नहीं बोलेगा,
तो उससे बाहर उससे पैसा नहीं बनेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट से पैसा नहीं बनेगा, वो आपको भी पता है, आप सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, पैसा उससे नहीं बनेगा, पैसा प्रॉपर सेटअप से बनेगा, स्ट्रेटजी से बनेगा। दिमाग का ढक्कन खोलो मेरे भाई, तभी समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी है, राइट। और 6 मंथ्स का हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम प्रॉपर फोकस मेंटरशिप देते हैं, आपको बताते हैं सही है गलत है। 10 दिन का हम लोग का एजुकेशन है, क्यों दे रहा हूँ ये एजुकेशन, सब कर रहा हूँ, पैसा टचवुड भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ आपके आशीर्वाद से ऐसे ही चलते रहे भगवान, यही मेरी दुआ है, किसी की नज़र ना लगे और बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला सॉरी बॉस, राइट। बट बॉस पैसा बना रहा हूँ, आराम से एंजॉय कर सकता था लाइफ, आ रहा हूँ टाइम निकाल के, 7 बजे का टाइम हो रहा है शाम का, क्यों आ रहा हूँ, रात को 9 बजे क्लास लेता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी सब कुछ बढ़िया है, क्यों आ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ देने के लिए बॉस, समझाने के लिए कि समझो, हर बंदा फ्रॉड नहीं हो सकता, हर बंदा गलत नहीं हो सकता, उनमें से कुछ अच्छे बंदे होते हैं, उनमें से कुछ रियल में कुछ आपको सोसाइटी को डिलीवर करना चाहते हैं, वो आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि यार ये बंदा, कोई भी बंदा हो, कोई भी एक्सपर्ट जिसको भी फॉलो कर दो, क्या ये दिल से, बंदे की नीयत क्या है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, और इतने बुद्धू आप नहीं हो, आप बहुत समझदार हो, आप रिटेलर हो, रिटेलर हमेशा समझदार होता है, बट दिक्कत क्या है, ज़्यादा समझदारी के चक्कर में जहाँ दिखाना चाहिए समझदारी वहाँ नहीं दिखाते हो, जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ दिखाते हो। यस, मुझे पता है बड़ा वीडियो और बहुत लोग लग रहा है क्या पका रहा है, फिर बोल रहा हूँ, आज पक लो कल लाइफ बन जाएगी, आज एंटरटेन करोगे मजे लोगे लाइफ नहीं बन पाएगी भाई, मैं चाहता हूँ आप लाइफ बनाओ, अगर हम जैसे लोग कर सकते हैं सर, हम कुछ नहीं है मार्केट में, हमसे बड़े बड़े मार्केट में बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी हैं सर, जो लाखों करोड़ों का धंधा कर रही है, लाखों करोड़ों का डेली पे मार रही है, क्या है, हम लोग पीनट्स कर रहे हैं, पीनट्स, बट हमारी भूख कोई पीनट वाली है भाई, हमें बड़ा भी नहीं चाहिए, पीनट थोड़ा थोड़ा खाओ मार्केट में, डेली खाओ, मार्केट इज़ नॉट अ गेम ऑफ 1 डे और 2 डे और 3 डे। क्या मैं अगर ये डबल कर रहा हूँ तो मैं इसमें मोटा पैसा नहीं डाल सकता, 98,000 डाला है क्या, तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता मेरे भाई, कर सकता हूँ भाई, छुड़ाए, ध्यान से समझना है, एक और लॉजिक बता रहा हूँ जिसने अभी तक मेरे को कंटिन्यू देखा इतना लंबे वीडियो में, एक लॉजिक और बता रहा हूँ मेरे भाई, 10,000 के इन्वेस्टमेंट को आप डबल जरूर कर सकते हो, बट 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को आपको डबल करने के लिए बोलूँगा ना, कर तो सकते हो लेकिन पसीना निकल जाएगा, तो इजी कौन सा होता है, 10,000 का अकाउंट 10,000 बनाना इजी होता है, 1 करोड़ का अकाउंट 1 करोड़ का बनाना बूम, इतना अच्छा अच्छों के बस का नहीं है, और तुम्हारा भाई के भी बस का ना है भाई, फिर बता रहा हूँ मुझे उस पर काम कर रहा है, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़ कैसे बना रहे हैं, पहुंच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस 1 लाख का डबल कर रहा हूं 1 महीने में, वो कॉन्फिडेंस 1 करोड़ का डबल करना है 1 महीने में, यानी 2 करोड़ करना है 1 महीने में, दिस इज रियल लॉजिक, दिमाग लगाना, क्या हैरी सेल्स बोल रहा है सर, बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा इमोशंस होता है, हाँ मेरा है पोर्टफोलियो नो डाउट, लेकिन क्या मैं सारा पैसा एक बार में लगा सकता हूँ, जो 10,000 को एक बार में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या 1 करोड़ को एक बार में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यूज योर ब्रेन बॉस, 10,000 गया नो टेंशन, 1 करोड़ गया ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप रातों रात करोड़पति, रातों रात करोड़पति, बट रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट लेना ही पड़ेगा आपको, बट 10,000 मैं एक ट्रेड में 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ, क्या 1 करोड़ रुपये एक ट्रेड में ले सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है बॉस, बड़े बड़े ऑपरेटर पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी बड़ा ऑपरेटर आ जाए वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाइवर्सिफाइड करता है पोर्टफोलियो को, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है, अगर इंट्राडे भी ट्रेड कर रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारा 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए एक ही स्टॉक में बाई कर देगा, पॉसिबल ही नहीं है, समझो मेरी बात, और जो करता है 1 दिन कमाएगा 2 दिन कमाएगा 3रे दिन भूत तो निकलेगा, क्योंकि मार्केट में कोई गॉड नहीं है, स्टॉप लॉस तो हिट होगा चाहे आप कितने बड़े तुर्रम खान हो, मानते हो ना, तो अगर सारा पैसा लगा मैं उसी पहला दिन ही स्टॉप लॉस गया तो मैं तो अकाउंट से साफ सक पूरा गायब, फिर क्या करूँगा, सोचो पैसा 10,000 से बनेगा, 10,000 से पहले बनाओ, डुबाओ 10,000 को, फिर 10,000 डालो, फिर डुबाओ, फिर 10,000 बढ़ाओ, फिर डुबाओ, फिर 10,000 डालो, डुबाओ, मैं कह रहा हूँ डुबाओ, 40-50,000 रुपये 1-2 ट्रेड में आप डुबाते हो, इसको प्रॉपर सेटअप करके डुबाने की कोशिश करो, जो मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियोस के अंदर, उसके माध्यम से उस 10,000 को लॉस करके दिखाओ,
देखो आप कर ही नहीं पाओगे लॉस, सही बता रहा सर। 100 रुपीज का रिस्क लो 10,000 के इन्वेस्टमेंट में, देखो आप लॉस पूरे महीने में लॉस आप कर ही नहीं सकते 10,000, और वैसे जो अभी ट्रेड करते हो एक झटके में 10,000 रुपये निकाल देते हो। तो पैसा कितना आ रहा है ये मत सोचो, पैसा आपकी जेब से कितना जा रहा है उसको सोच के ट्रेड करो। ये सब छोटी छोटी साइकोलॉजी है, छोटे छोटे थॉट प्रोसेस है पीछे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का, जो कि किसी किताब में यूट्यूब में नहीं, आपको एक रियल ट्रेडर ही बता सकते हैं। बाकी आ सकता था मैं कुछ हॉट टॉपिक लेके कि रिलायंस का क्वार्टरली वो आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आ सकता था, भाई टाइम ही नहीं है उसके लिए भाई। लेकिन टेंशन मत लो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही, अगर आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो चाहिए या फिर आपको इसी तरह के पावरफुल कंटेंट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कि हाँ आप भी पैसा बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, और जाके मेरे वीडियोज़ को चेक करो। और जो ट्रॉलर्स हैं भाई उनको जाके जरूर कमेंट सेक्शन में बता, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे पास आता है कमेंट करता है भाई उनकी दुकान बंद हो रही है समझो, पहले जो कमेंट कर रहा है देख लो उसका बैकग्राउंड जाके फेक नेम से आते हैं, फेक नेम से, अरे भाई रियल नेम से आओ ना, हमने कब बना क्या है। हाँ गाली गलौज करोगे मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ भाई, मैं फिर उसके नहीं सुनता, क्योंकि मेरे खानदान में ये नहीं है कि भाई आप गाली दो मैं भी दूँ ना, सीधे ब्लॉक, बातें नहीं करनी, गलत आदमी के साथ रहना ही नहीं है। हाँ अगर आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं है आप लिखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नो गाली गलौज भाई, ना आपको अच्छा लगता है ना मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि भैया जय माता दी। हाँ आप कमेंट करो, आई रियली अप्रिशिएट, वहाँ पे आपका कमेंट पड़ा रहेगा, मैं कभी डिलीट नहीं करता भाई, देख लेना खुद जाके। गाली गलौज करोगे मिनट से पहले गेट आउट फ्रॉम द माय चैनल, बहुत सिंपल है, क्लियर है राइट। घरवालों ने बोला है जो जिसकी संगति अच्छी लगती हो, जो अच्छा आदमी हो, पॉजिटिविटी आए उसके साथ रहो, जिसके साथ नेगेटिविटी आए उसको तुरंत अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दो। ओके आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा स्टे ट्यून विद अस, बहुत जल्दी आपको समझा देंगे सर, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन एक महीना फॉलो करके देखो, बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, बहुत टेक्नो फंडा करके एक सीरीज निकालने वाला हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की भी चीज़ें रहेंगी, 8-10 अकाउंट में और प्रॉफिट दिखाने वाला हूँ, कम से कम 25-30 और पावरफुल स्ट्रैटेजीज आपको देने वाला हूँ, बस एक ही चाहिए, अगर आपको फायदा हो रहा है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करो, जिससे कि आप ही की तरह जो ब्लफ हो रहा है दूसरी जगह जाके उसको हेल्प हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल, घर पे रहिए सेफ रहिए, घर पे रहिए सेफ रहिए, और अपना और अपने पेरेंट्स का प्लीज ध्यान रखिए, थैंक यू।